सबसे पहले सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मोहित है, मैं फरीदाबाद से ही रहता हूँ। मेरा इस नीट 2021 में स्कोर 647 है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने एक साल यहाँ पे भी तैयारी करी है फरीदाबाद से। कोचिंग की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, कोई दिल्ली बिल्कुल पास में है, कोई कमी नहीं है, एक से एक बड़ी कोचिंग है। लेकिन जो वहाँ सीकर में आपको माहौल मिलेगा उसकी आप कोई कंपेरिजन कर ही नहीं सकते यहाँ से। मेरा 2020 में जब तैयारी कर रहा था तो कोरोना आया। मैं कोचिंग का नाम नहीं लूँगा अपनी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कोरोना में बिल्कुल साथ छोड़ दिया हमारा। हमारे ना तो डाउट्स क्लियर हो पाते थे और ना कोई टीचर हमसे कोई रिलेट कर पाता था। फिर जैसे तैसे करके मैंने 2020 में अपना स्कोर 571 बनाया। फिर मेरे सिलेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं था, तो मेरे भैया ने किशोर सर से बात करी। उन्होंने मेरे को कहा कि तुरंत सीकर आ जाओ आप। तो मैंने वहाँ पर जाके देखा कि वहाँ सही में एक माहौल है। ये जो आप चार शब्द पीछे देख रहे हो, शिक्षा, सुरक्षा, संस्कार, सफलता, इनका सही में आपको मतलब मिलेगा वहाँ पे। बॉस जैसे गार्जियन ने पूरे हर टाइम में इनका लाइव देखता था और एक अलग ही मोटिवेशन मिलती है वहाँ पे। आपको हॉस्टल में पूरे वार्डन आपको मोटिवेट करते हैं, नाइट कैंप्स लगते हैं वहाँ पे, पूरा आपको मतलब पढ़ाई का माहौल दिया जाता है वहाँ पे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। मतलब मैं वो इतना ही कहना चाहूँगा कि बॉस जो हूँ आपके बहुत बड़ा योगदान है मेरा। अभी कौन सा कॉलेज था, कॉलेज कौन सा तेरा? मैंने अपना ESI मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद वाले, फरीदाबाद पास का, पास लिया सर। तो हॉस्टल कौन सा रहा वहां पर? बी बिल्डिंग एक्सटेंशन सर। ये हमारा बी बिल्डिंग हॉस्टल में रहा। और ये है साहब, ये बच्चे मंच पे आते हैं, प्रणाम करते हैं। आजकल टीचर कहते हैं साहब की पीढ़ी बदल गई, बच्चे अब पाँव नहीं छूते। पीढ़ी नहीं बदली, अरे गुरुजनों तुम बदल गए, तुम अब टीचर नहीं पेड सर्वेंट बन गए। तो पेड सर्वेंट के बच्चे पांव क्यों छुएगा भाई, आप शिक्षक बनो, लोग आपको सब कुछ देते हैं। थैंक यू डियर। आई वैसा थैंक यू सर। आप भी हैं प्लीज सर। मेरे ताऊ जी, हां आप बताएं, आप भी कुछ बोले। मैं श्रवण जी उनकी टीम का पलवल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मेरा बच्चा जो है वहां CLC में कोचिंग किया था, बहुत अच्छा माहौल था वहां पे, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। मैं एक्चुअली में सीकर डिस्ट्रिक्ट का ही रहने वाला हूं, रामगढ़ सेखावटी। कौन सा गांव है? रामगढ़ सेखावटी। अच्छा अच्छा, रामगढ़ सेखावटी गांव, वहीं का रहने वाला हूं। ये फरीदाबाद से 40-45 साल से रह रहा हूं। मैंने तो नाम भी सुना हुआ है, फिर भी मैं एडमिशन करवाया, बच्चा सक्सेस हुआ, कोचिंग भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तक यानी टेंशन नहीं है वहाँ पे, जैसे माँ बाप है वैसे ही वहाँ पे माहौल है। थैंक यू ब्रदर। बिल्कुल ला लिया ला। देखो हमारे बच्चों सिस्टम देखो, आप आओ, आप यहीं रहे सर, आप यहीं रहे। मैं फतेहपुर का हूँ, हाँ ये मेरे गाँव के पड़ोस के निकले 50। देखो संस्कार क्या होते हैं, हमारे कोई बच्चा सिलेक्ट होता है तो हम वहाँ विजयोत्सव के प्रण भाई धान जाऊंगा। ये बच्चा विजयोत्सव नहीं जा पाया तो इसको हम बाई पोस्ट हमने भेज दिया मेमेंटो। ये सम्मान ये होता है। पर ये कहता नहीं बॉस आज आप अपने हाथ से सम्मान करो मेरा, इसलिए मैं खुद आता हूँ। प्लीज ये तो मजा आ गया बात का। प्लीज इधर आ, ये सोल एक मिनट। बच्चों अब सुनना एक मिनट, मैंने कहा ना सर्टिफिकेट मेडल की कीमत वो नहीं होती है, कीमत ये होती है। ये इसके पास बाई पोस्ट आ गया था, ये किसी कारण वो सीकर नहीं आ पाया था, ये आज कह रहा पोस्ट आप, इसलिए मैं खुद आता हूं सम्मानित होने करने के लिए। एक बार जोरदार ऊपर हाथ करके ताले बजाएं मेरे बच्चे के लिए। थैंक यू, थैंक यू, लव यू। आए बेटा